रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के भोपाल में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था, जिसमें आज भी सदन में हंगामा हुआ और बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस की नाकामियों को गिनाते हुए कमलनाथ सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने षड्यंत्र कर विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी है, जबकि राज्य सरकार सत्र को निर्धारित अवधि तक चलाना चाहती थी। कमलनाथ ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के नाम पर केवल नाटकबाजी की है। इसके बाद मंत्री ने कमलनाथ सरकार पर कई आरोप लगाए, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री। एडवोकेट जनरल ने न्यायालय में कहा, पहली बात तो इनके एडवोकेट जनरल उपस्थित नहीं हुए, इन्होंने किसी अधिवक्ता को भेजा और उसने ये कहा कि पीएससी में 14% आरक्षण दिया जाए, हम अपनी इस पर सहमति देते हैं। उसके आधार पर न्यायालय ने निर्णय किया और इसलिए अगर ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला तो इनके गलत जवाब के कारण, गलत उत्तर देने के कारण ही आरक्षण नहीं मिला। सदन चलने नहीं दे रहे थे और एप्रेन पहनकर पूरे समय नारेबाजी करते रहे। हम लोग चाहते थे सदन चले, क्वेश्चन अवर में हमारे मंत्रियों ने जवाब दिए, उसके बाद एप्रेन पहनकर वेल में आ गए और पूरे समय नारेबाजी करते रहे। ऐसी परिस्थितियों में सदन नहीं चलाया जा सकता था और इसलिए फिर सदन अध्यक्ष जी को स्थगित करना पड़ा।